हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम नोट 7 प्रो वर्सेस मैक्स प्रो M2 का बेंचमार्क स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट यहां पर करने वाले हैं। और दोनों ही फोन्स यहां पर 4GB 64GB वेरिएंट मेरे पास हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फटाफट से यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स को यहाँ पर कर लिया अनलॉक, ब्राइटनेस को कर लेते हैं सेट मैक्सिमम लेवल पे ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर डिस्प्ले विजिबल हो। तो गाइस, दोनों ही फोन्स में कोई भी एप्स यहाँ पर रनिंग नहीं है, बैकग्राउंड में यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोनों ही फोन्स यहां पर कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क से और दोनों ही फोन्स को यहां पर रीसेट किया गया है और दोनों ही फोन्स में सिमिलर एप्लीकेशंस यहां पर है, तो एकदम फेयर टेस्ट ये होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे बूट अप कंपैरिजन से। दोनों ही फोन्स को एक साथ पावर ऑन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फोन यहां पर पहले यहां पर पावर ऑन हो जाता है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर Redmi Note 7 Pro जस्ट मिली सेकंड पहले यहाँ पर बूट हो गया, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलर था तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, जो कि है बेंचमार्किंग। काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ N22 का स्कोर। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों ही फोन से मैंने N22 यहाँ पर रन किया था और Note 7 Pro का यहाँ पर स्कोर है 182,000 के आसपास और Max Pro M2 का है 1,27,000। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है बेंचमार्किंग में, बट नंबर्स है गाइस ये सिर्फ। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं Geekbench 4 भी, यहाँ पर दोनों फोन से मैंने रन किया था और स्कोर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हिस्ट्री में जाने के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2400 का यहाँ पर सिंगल कोर है और मल्टी कोर का 6500 है नोट 7 प्रो में, और मैक्स प्रो M2 में 1500 का सिंगल कोर और मल्टी कोर 5500 का है। नोट 8 से कंपैरिजन गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना नोट 7 प्रो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 से, और यहाँ पर अपना जो मैक्स प्रो M2 है वो थोड़ा सा पीछे है। गाइस, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, जो कि है नेट की स्पीड, जो कि मैंने यहाँ पर काफ़ी वियर्ड चीज़ नोटिस की है अपने इन दोनों स्मार्टफोन्स में। मैं आपको यहाँ पर नेट की जो स्पीड है वो मुझे ज़्यादा मिल रही थी अपने मैक्स प्रो M2 में नोट 7 के कंपैरिजन में। तो गाइज, मैं फटाफट से आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। और गाइज, मैंने सिमिलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी ट्राई किया है। स्टार्टिंग में नोट 7 प्रो फास्ट करता है, बट फिनिश यहाँ पर अपना जो मैक्स प्रो M2 है वो जल्दी यहाँ पर कर देता है। तो गाइज, एक बार ही कर लेते हैं इस टेस्ट को और देखते हैं यहाँ पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड में कौन सा स्मार्टफोन दोनों में से यहाँ पर आगे निकलता है। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा मैक्स प्रो M2 में डाउनलोडिंग स्पीड 19.5 MB की आ रही है और अपलोडिंग 26.5 MB की है, और यहाँ पर नोट 7 प्रो में अपने 12.5 MB की डाउनलोडिंग स्पीड है और 18.5 MB की यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड है। तो दोनों ही में यहाँ पर अपना मैक्स प्रो M2 आगे निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकल रहा है। इसमें जो प्रोसेसर है उसकी जो यहाँ पर इसमें जो भी आपको नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी यहाँ पर कम है, उसके बाद भी यहाँ पर आगे निकल रहा है। तो यार, ये वियर्ड चीज़ है, आपको इसको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रनिंग नहीं है और यहाँ पर वाईफाई भी सेम कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फ़ोन डायलर से एक साथ दोनों ही फ़ोन्स में, और यहाँ पर देख सकते हो MIUI जो है वो स्लाइटली यहाँ पर फास्टर है स्टॉक एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। चलते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना स्लाइटली फास्टर था MIUI अपना नोट 7 प्रो। सेटिंग्स एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं दोनों फोन्स में एक साथ। तो अगेन गाइस, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एनिमेशन है वो काफ़ी फास्ट है MIUI में। और यहाँ पर फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्स प्रो M2 में स्लाइटली फास्टर ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं मैसेंजर को दोनों फोन्स में एक साथ, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्स प्रो M2 में स्लाइटली यहाँ पर फास्टर ओपन हुई है ये वाली एप्लीकेशन भी। इंस्टाग्राम पर यहाँ पर चलते हैं, तो गाइस इंस्टाग्राम यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में यहाँ पर लेटेस्ट फीड के साथ आया है। प्रोफाइल को यहाँ पर खोल लेते हैं, तो अगेन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि Note 7 Pro है, और यहाँ पर कैमरा हम लॉन्च करते हैं तो मैक्स प्रो M2 फास्टर यहाँ पर कैमरा लॉन्च करता है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ, और वो है अपनी स्नैपचैट। दोनों फ़ोन्स में एक साथ ओपन करेंगे, तो गाइज बहुत ही यहाँ पर सिमिलर था दोनों फ़ोन्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं प्ले स्टोर दोनों फ़ोन्स में, तो गाइज बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर रिजल्ट था, स्लाइटली फास्टर था नोट 7 प्रो में।
अब यहाँ पर कुछ गेम्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले है स्मैश हिट, तो ये वाली एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में। नोट 7 में यहाँ पर फास्टर ओपन हुई है गेम। अब यहाँ पर चलते हैं सर्वे सर्फर पे और देखते हैं दोनों ही फोन्स में कौन सा फ़ोन यहाँ पर फास्टर ओपन करेगा सर्वे सर्फर गेम को। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 और 660 अंडरक्लॉक्ड वेरिएंट में, बाकी आपको दोनों ही फोन्स में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं होम और ओपन करते हैं यहाँ पर पिन आउट गेम और देखेंगे कि यहाँ पर कितनी स्पीड डिफरेंस आएगा। तो गाइज यहाँ पर नोट 7 प्रो स्लाइटली फास्टर था बट यहाँ पर यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं गाइज सबकी फेवरेट गेम जो कि है पबजी, वहाँ पर हमें कितना स्पीड का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो गाइज फाइनली अपने Redmi Note 7 Pro ने PUBG को लोड कर दिया है और अभी Max Pro M2 स्टिल यहाँ पे लोड कर रहा है। तो फाइनली अब अपने Max Pro M2 में भी PUBG यहाँ पर लोड हो गई है। तो गाइज अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोनों फोन्स के रैम मैनेजमेंट को। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन दोनों फोन्स में। तो गाइज सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये मेमोरी में है या नहीं है। तो फटाफट से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं नीचे। तो दोनों फोन्स, तो गाइज यहाँ पर कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो कि स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन अपने Max Pro M2 में है और MIUI में यहाँ पर रिफ्रेश हो गई है ये एप्लीकेशन। अब यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स एप्लीकेशन में दोनों फोन्स में। तो दोनों फोन्स में यहाँ पर मेमोरी में सेटिंग्स एप्लीकेशन, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद गाइज यहाँ पर ओपन करने वाले हैं हम अब फेसबुक एप्लीकेशन को दोनों फ़ोन में, और दोनों फोन्स में यहाँ पर फेसबुक भी मेमोरी में आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी कमाल की बात है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम ओपन करने वाले हैं मैसेंजर एप्लीकेशन को दोनों स्मार्टफोन में, तो ये भी आपको मेमोरी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी दोनों स्मार्टफोन में आपको मेमोरी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्नैपचैट स्टिल देयर, प्ले स्टोर, स्मैश इट। तो गाइज ये गेम भी यहाँ पर मेमोरी में आपको देखने को मिल जाती है। सर्वे सर्फर्स, तो गाइज सर्वे सर्फर्स भी दोनों ही स्मार्टफोन में मेमोरी में देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी कमाल की बात है कि यहाँ पर रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन्स का बढ़िया चल रहा है। बाय द वे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पिन आउट भी मेमोरी में है और दोनों ही फोन जो हैं वो एंड्रॉयड पाई पे यहाँ पर रनिंग है। अपना जो Max Pro M2 है वो बीटा पे चल रहा है, उसके बाद भी काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर पबजी भी दोनों ही स्मार्टफोन में मेमोरी में देखने को मिल जाती है, 4GB की कमाल की यहाँ पर रैम मैनेजमेंट हमें देखने को मिला है दोनों फोन्स में। और जो अपना Redmi Note 7 है उसने सिर्फ कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन को यहाँ पर रिफ्रेश किया था, मतलब डायलर एप्लीकेशन को, बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में रैम मैनेजमेंट काफ़ी कमाल का है। तो गाइस दोनों ही फोन्स में परफॉर्मेंस वाइज आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन्स काफ़ी फास्ट है। स्नैपड्रैगन 675 डेफिनेटली यहाँ पर फास्टर है बट Max Pro M2 स्टिल यहाँ पर काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है इस अपनी प्राइस सेगमेंट में। और नोट 7 प्रो भी यहाँ पर आपने देख लिया कि कितना यहाँ पर स्पीड डिफरेंस दोनों फोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं इसका भी बैटरी इन कंपैरिजन लेके आने वाला हूं इन दोनों फोन्स का Max Pro M1 के साथ, वो भी आपको मेरे चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। तो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।